वेलकम वेलकम टू इंग्लिश विद शालिनी। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के क्वेश्चन आंसर्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे हम। और द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी को लिखा है खुशवंत सिंह ने, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, फुल एनालिसिस समरी भी बनाई है, प्लीज़ आप उसको जाके देखें, क्योंकि मल्टीपल चॉइस के लिए आपको डिटेल समरी और टेक्स्ट को जानना जरूरी है। सो लेट्स बिगिन द क्वेश्चन आंसर। हु इज़ द ऑथर ऑफ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी? तो पोर्ट्रेट ऑफ लेडी जो शॉर्ट स्टोरी है किसने लिखी है? तो इसे लिखा है खुशवंत सिंह ने। आंसर नाउ टू, हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी? इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर कौन है? तो मेन कैरेक्टर है, मेन जो इसका जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो है ग्रैंड मदर। इसी के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर है। सो हाउ डिड द ग्रैंड फादर इन द पोर्ट्रेट हंग ऑन द वॉल लुक लाइक? तो जो ड्राइंग रूम में ग्रैंडफादर की जो पोर्ट्रेट थी, पेंटिंग थी, वो किसके ऊपर लगी हुई थी, तो कैसे दिखती थी वो? तो वो ओल्ड लॉन्ग वाइट बियर्ड वोर्न बिग टर्बन, तो बहुत ही ओल्ड दिख रहे थे वो, उनका लॉन्ग वाइट बियर्ड था और बहुत बड़ी उनकी जो टर्बन थी, उनकी पगड़ी थी। नाउ हाउ डिड द ग्रैंड मदर लुक? ग्रैंड मदर कैसे दिखती थी? तो ग्रैंड मदर दिखती थी, सी है आंसर, ओल्ड शॉर्ट स्लाइटली बेंड और फैट। तो क्या थी? बूढ़ी थी वो, शॉर्ट थी, थोड़ी सी झुकी हुई थी, बेंड थी और फैट थी, मोटी भी थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डिड द ऑथर्स पेरेंट्स, मतलब खुशवंत सिंह के पेरेंट्स, लीव हिम विथ हिज ग्रैंड मदर? तो कहाँ छोड़ दिए थे, जब कब छोड़े थे उनको? तो व्हेन ही वॉज अ किड, तो जब खुशवंत सिंह किड थे, बच्चे थे, तो उनको गांव में छोड़ दिया गया था ग्रैंड मदर के साथ। नाउ विच एनिमल डिड द ग्रैंड मदर यूज टू फीड इन द विलेज? तो विलेज में कौन से एनिमल को फीड करती थी ग्रैंड मदर? तो डॉग्स, डॉग्स को फीड करती थी चपातियां। नाउ 7, व्हाट डिड द ऑथर ईट फॉर ब्रेकफास्ट? क्या ऑथर खाते थे ब्रेकफास्ट में स्कूल जाने से पहले गाँव में? थिक एंड स्टेल चपातीस विथ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड इन इट। तो मोटी और बासी चपातियाँ, स्टेल मीन्स बासी, और उसके ऊपर बटर लगी होती थी और शुगर थोड़ा स्प्रेड रहता था, शुगर या गुड़, तो ये खाते थे वो। नाउ वाई वुड ग्रैंड मदर अकम्पनी द ऑथर टू हिज स्कूल? ग्रैंड मदर क्यों अकम्पनी करती थी स्कूल में ऑथर को? अकम्पनी करना मतलब साथ जाना। तो बिकॉज, आंसर है सी, बिकॉज ऑफ द टेम्पल अटैच टू स्कूल। तो जहाँ पर स्कूल था वहीं से अटैच एक टेम्पल था, गुरुद्वारा था, इसलिए वो अकम्पनी करती थी क्योंकि वहाँ उनको टेम्पल में जाना रहता था। नाउ वेयर वेर द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर? उनके पेरेंट्स कहाँ रहते थे ऑथर के पेरेंट्स खुशवंत सिंह के? तो वो रहते थे सिटी, ऑप्शन है अब्रॉड, सिटी और ये सब ऑप्शन है आपके, और आंसर है सिटी। नाउ What would the grandmother do in temple on a daily basis? तो daily basis में grandmother क्या करती थी temple में? तो वो करती थी read scriptures, वो scriptures पढ़ती थी, religious पुस्तकें पढ़ती थी वहाँ, धार्मिक पुस्तकें। Now 11, What was the turning point of the friendship between grandmother and author? तो author खुशवंत सिंह और grandmother के बीच में relationship जो था, बहुत ही प्यार था, उसकी turning point क्या थी, उसमें पहला मोड़ क्या या बड़ा मोड़? तो वो था, आंसर है व्हेन हिज पेरेंट्स कॉल्ड देम बोथ टू द सिटी। तो जब उनके पेरेंट्स ने उन्हें सिटी बुला लिया, तो ये टर्निंग पॉइंट था उनका। अब देखिए, वेयर डिड द ऑथर गो टू स्टडी इन द सिटी? ऑथर स्टडी करने कहाँ गए थे सिटी में? तो इंग्लिश स्कूल इन मोटर बस, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते थे मोटर बस में बैठ के, अब दादी माँ साथ नहीं जाती थी। Now 13, What made the grandmother unhappy about the author's new English school? तो जो दादी माँ थी वो उनके नए इंग्लिश स्कूल से क्यों नाराज होती थी, क्यों दुखी रहती थी वो? तो आंसर ये है, बिकॉज शी डिडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, क्योंकि उन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आती थी, एंड कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विथ द lessons, और उनको lessons में वो हेल्प नहीं कर सकती थी, अपने पोते को हेल्प नहीं कर सकती थी, इसलिए वो दुखी रहती थी। 14, Why didn't the grandmother like music? तो grandmother को music क्यों पसंद नहीं था? So उनके अनुसार, grandmother के अनुसार,
इट वॉज मतलब म्यूजिक वॉज द मोनोपोली ऑफ द हार्लॉट एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक। तो उनके हिसाब से जो हार्लॉट मतलब क्या होता है, जो प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं और जो बेगर्स जो भिखारी होते हैं उनकी ये मोनोपोली थी, उनका ही एकाधिक वही बजाते हैं म्यूजिक व्यूजिक, उनका कहना था। और जो सभ्य आदमी है जेंटल फोक है वो म्यूजिक से कोई वास्ता नहीं रखते, ऐसा उनकी थिंकिंग थी। और ये ऑप्शन हैं आपके। अब देखिए 15, हाउ डिड दी ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी। तो सिटी में कैसे टाइम स्पेंड करती थी। सो स्पिनिंग द व्हील्स, वो चरखा चलाती थी, चरखा चलाती थी, वो बुनाई करती रहती थी उसी में, उसी से उनका टाइम पास होता था और प्रेयर करती थी। लेकिन यहाँ पर स्पिनिंग द व्हील्स बस आपको लिखना है, मतलब इसको ऑप्शन को टिक करना है। 16, हाउ डिड दी ग्रैंड मदर स्पेंड हर आफ्टरनून एवरी डे। तो अब दोपहर में वो क्या करती थी वो दादी माँ, तो बाई फीडिंग हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज, तो वो सैकड़ों गौरैयों को स्पैरोज को वो खाना खिलाती थी, फीड करती थी, यही उनका दोपहर का टाइम बीतता था इसी में। नाउ 17, व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर मूव्ड अब्रॉड टू स्टडी फॉर 5 ईयर्स। क्या हुआ जब वो ऑथर चले गए थे 5 साल के लिए अब्रॉड पढ़ने, बाहर पढ़ने, विदेश में। तो उस समय क्या हुआ, ग्रैंड मदर बिड गुड बाय बाई साइलेंटली किसिंग द फॉरहेड। तो ग्रैंड मदर ने उन्हें गुड बाय कहा, कैसे गुड बाय कहा, उनके फॉरहेड को, उनके माथे को बहुत ही धीमी से धूमे से चीम मतलब किस करके उन्होंने गुड बाय कहा। अब देखिए 18, व्हाट चेंज केम इन द ग्रैंड मदर्स इवनिंग शेड्यूल। तो ग्रैंड मदर के इवनिंग शेड्यूल में क्या फ़र्क आया, ये तब की बात है जब वो अब्रॉड से वापस आते हैं वो। तो शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ नेबरहुड, उन्होंने क्या किया, नेबरहुड के पास आस पड़ोस के महिलाओं को कलेक्ट किया। देखिए ये सारे जो क्वेश्चन के आंसर हैं आप तभी अच्छे से दे पाएंगे जब आप डिटेल में टेक्स्ट को पढ़ेंगे, लेसन को पढ़ेंगे, इसलिए आप जरूर पढ़िएगा। सो व्हाट हैपेंड व्हेन द ग्रैंड मदर डिडंट प्रे फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या हुआ जब ग्रैंड मदर ने फर्स्ट टाइम प्रे नहीं किया, प्रार्थना नहीं की। सो आंसर है शी फेल इल द नेक्स्ट डे, तो वो दूसरे दिन बीमार पड़ गई, क्योंकि वो उसका उनका रूटीन था प्रेयर करने का और वो एग्जॉस्ट भी हो गई थी। नाउ 20, हाउ डिड दी ग्रैंड मदर रिएक्ट टू हर इलनेस। ग्रैंड मदर जब बीमार पड़ी, इलनेस हुआ उनका, बीमारी हुआ, तो उनको कैसे रिएक्ट लगा, कैसे क्रिएट करी वो। तो वो बोली शी सेड हर एंड वॉज नियर, उन्होंने कहा कि अब उनका आखिरी वक्त आ गया है, उनका जो अंत है पास ही है। नाउ 21, वॉट डिड दी ग्रैंड मदर डू इन हर फाइनल आवर्स। तो ग्रैंड मदर ने फाइनल टाइम में क्या किया, आखिरी वक्त में क्या किया अपने, तो साइलेंटली प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, उन्होंने क्या किया अपने आखिरी वक्त में साइलेंटली बहुत ही शांति से वो प्रे करती रही और अपने बीड्स को, मनका को फेरती रही, माला फेरती रही। अब देखिए 22, हाउ डिड दी ग्रैंड मदर डाई। ग्रैंड मदर की मौत कैसे हुई, ड्यूरिंग टेलिंग बीड्स लेइंग ऑन द बेड, वो चुपचाप वो मनका फेर रही थी उसी वक्त उनकी मौत हुई। 23, हाउ डिड दी स्पैरो एक्सप्रेस देयर सॉरो एट द डेथ ऑफ देयर ग्रैंड मदर। तो जो स्पैरोज थे, जो बर्ड्स थे, उन्होंने अपना जो दुख को, सॉरो को कैसे एक्सप्रेस किया जब ग्रैंड मदर की डेथ हुई। तो उन्होंने क्या किया, स्पैरोज ने क्या किया, दे केम एंड सैट साइलेंटली इन द बरामदा, वे आए और बहुत ही साइलेंटली बरामदा में बैठ गए और चुप रहे वो। नाउ 24, व्हाट हैपेंड व्हेन दे टुक द ग्रैंड मदर कॉप्स अवे। क्या हुआ जब ग्रैंड मदर के जो कॉप्स था, उनकी जो लाश है वो ले गए वो जो ऑथर लोग। तो क्या हुआ कि बर्ड्स फ्लू अवे क्वाइटली, तो वो जब चली गई दादी माँ तो वो भी बहुत ही साइलेंटली वहां से चले गए, चुपचाप चले गए बर्ड्स, क्योंकि वो उन्हीं के पास ही आए थे। नाउ 25, हाउ डू यू फील अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द ग्रैंड मदर इन द चैप्टर। आप कैसा फील करते हैं कि ग्रैंड मदर का जो कैरेक्टर है, उनके जो चरित्र है वो कैसा था। तो वो क्या थी, वो स्ट्रांग थी, शी वॉज स्ट्रांग। ठीक है, अब 26, अब ये जो सारे ऑप्शन हैं आपको लगेंगे, ये भी हो सकता है ऑप्शन कि इमोशनल भी थी, सेल्फलेस भी थी, लविंग भी थी, लेकिन अगर जो सबसे बड़ी जो बात उभर के आती है इस चैप्टर में, तो वो क्या थी, स्ट्रांग थी। ठीक है, इसलिए आपको देखना है उसको, मेन चीज को। नाउ 26, वेयर वॉज द ऑथर्स ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट प्लेस्ड। तो ऑथर का जो ग्रैंड फादर का जो पोर्ट्रेट था, उनकी जो पेंटिंग थी, कहाँ पर रखी हुई थी।
तो हंग एबो दी मेंटल पीस, एक मेंटल पीस था, मेंटल पीस मतलब जो जहाँ पर फायर जलता है उसके ऊपर एक पोर्ट्रेट लगी हुई थी, हंग थी उसमें, तो वहां पर थी ग्रैंडफादर की पोर्ट्रेट। नाउ 27, डिड दी ऑथर बॉदर टू लर्न दी मॉर्निंग प्रेयर दैट हिज ग्रैंड मदर रिसाइटेड? तो क्या जो ऑथर थे, ऑथर मीन्स जो खुशवंत सिंह थे, वो केयर करते थे कि वो ग्रैंड मदर के जो प्रेयर को सीखें वो? तो आंसर है ही लिसन बट डिड नॉट बॉदर टू लर्न। तो वो सुनते तो थे लेकिन वो बॉदर नहीं करते थे लर्न करने, बॉदर करना मतलब केयर नहीं करना, केयर नहीं करते थे कि उसको मैं सीखूं करके, जहमत नहीं उठाते थे कहना चाहिए। सो व्हेन वाज देयर कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप स्नैप्ड? तो ग्रैंड मदर और जो ऑथर था उनका जो फ्रेंडशिप था वो कैसे स्नैप हो गया, कैसे ब्रेक हो गया? सो व्हेन ही वेंट टू यूनिवर्सिटी दे वर गिवन सेपरेट रूम्स। तो जब वो यूनिवर्सिटी चले गए तो उनको अलग अलग रूम दे दिया गया, तो उनकी जो ये फ्रेंडशिप खत्म हो गई, खत्म तो नहीं हुई, कम हो गई कहना चाहिए। वॉट वॉज ग्रैंड मदर्स रिएक्शन वेन दी ऑथर वॉज गोइंग अब्रॉड? तो ग्रैंड मदर का क्या रिएक्शन था जब ऑथर बाहर जा रहे थे, पढ़ने जा रहे थे अब्रॉड? तो उनका जो रिएक्शन था वो थी कि नॉट इवन सेंटिमेंटल। वो सेंटिमेंटल भी नहीं थी, मतलब बिल्कुल भी वो सेंटिमेंटल नहीं हुई, भावुक नहीं हुई। 30, वॉट वॉज हर रिएक्शन वेन ही केम बैक आफ्टर 5 ईयर्स? तो उनका क्या रिएक्शन था जब वो 5 साल के बाद लौट के आए ऑथर? तो क्लैप्स द ऑथर इन हर आर्म्स सेड प्रेयर्स। तो दादी माँ ने क्या किया, ऑथर को अपने बाहों में भर लिया, क्लैप्स मतलब एकदम जकड़ लिया, और वो प्रेयर बोलने लगी। ये तो ये था आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप डिटेल पढ़िए टेक्स्ट को, मैंने वीडियोस बना रखे हैं, प्लीज़ देखिए उसे। थैंक यू।